Thank you, right. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, ma'am, your please. Thank you. Thank you, ma'am, come here, please. Ma'am, your please. I'm on your right, ma'am. Ma'am, your left. Thank you, ma'am. Your right, ma'am. Thank you, ma'am. अच्छा किनारे पे हम कहीं हैं? ना ना बिल्कुल सामने आपके बाप सामने भी ना ये पत्र लिखा उनके बारे में क्या कहेंगे आप ऑल्दो आपने पत्र लिखा उनका नाम है अच्छा ओके आई हैवंट सीन आई डोंट नो हु द फीमेल लीड इज बट देन टू व्हाट काइंड ऑफ होप्स यू हैव फ्रॉम Nothing. I think I'm just coming with a completely open mind and hoping to enjoy a good evening. Last time बोलना आपसे पूछना चाहेंगे वैसे तो बहुत ही सेंसिटिव एक बहुत ही क्रूशियल इशू पे ये बेस्ड है तो इन फ्यूचर आप आप आपको कौन सी चीजें बिजी रख रही हैं कौन से फिल्म के साथ आप बिजी हैं अभी तो मतलब दो तीन फिल्में के साथ बिजी हूँ जिया और जिया खत्म हो रही है और हैप्पी एंडिंग्स इज ऑलमोस्ट डन एंड मार्गरेटा ऑफ द स्ट्रॉ Very different films. Thank you so much. Thank you. Wait for the technical shots. Sorry. Thank you. Yona shot. अरे किधर पकड़ लो ना यार बम को. प्रेम में आ जाते हैं यार. राजकुमार यहाँ पे जल्दी. अभी अभी किया. Sorry. Yes. Hello. क्या बात कर रहे हैं हम? मैं ऊपर हो जाता हूँ चलो नहीं बिल्कुल कतई आदत नहीं हुई है अभी आने दो यार अभी शुरुआत है बहुत तारीफ आने दो क्योंकि कल की मतलब वो खुद इतनी कमाल है उनकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है पर खुशी इस बात की है लोगों को फिल्म पसंद आ रही है और जो लोग देख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं फिल्म छू रही है तो यही आई थिंक बहुत खुशी की बात है साथ ही साथ यू नो आज के गेस्ट लिस्ट में आज कौन कौन शामिल है आज हमने बुलाया तो बहुत लोगों को हैं आज सोनम एक्सपेक्टेड हैं अरबाज सर एक्सपेक्टेड हैं और मेरे कुछ अपने फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री के वो लोग एक्सपेक्टेड हैं बात करें तो किस तरह का कॉम्प्लीमेंट मिला है बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अभी तक यार बेस्ट तो वो बहुत पर्सनल है मैं एक्चुअली उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा पर जैसे मैंने कहा कि बहुत फिल्म को बहुत सराहना मिल रही है सबके काम को बहुत सराहना मिल रही है तो आई थिंक वी आर हैप्पी एंड वेटिंग फॉर द फ्राइडे टू कम कल भी कह सकते हैं कल भी एक स्क्रीनिंग रखी गई आज भी एक स्क्रीनिंग रखी गई और कितनी स्क्रीनिंग होने वाली है अभी है आई थिंक वेंसडे को जो है अनुराग सर एक स्क्रीनिंग प्लान कर रहे हैं वो चाहते हैं फिल्म लोगों को दिखाएं तो अभी तो स्क्रीनिंग्स चलेंगे कुछ और आई थिंक अभी हंस सर के पास भी एक फिल्म फेयर अवार्ड आ गया मेरे साथ साथ तो अभी हम दोनों के पास एक फिल्म फेयर भी है और एक नेशनल अवार्ड भी है या मैंने अच्छे काम के लिए तैयार किया हुआ है यही कोशिश है कि हर फिल्म के साथ कुछ नया करने को मिले अपने आप को चैलेंज करने को मिले वही मजा है एक्टर होने का थैंक यू प्लीज यस यस रिक्वायरमेंट चेंज होता है तो चैनल क्यों नहीं वो भी देखेंगे तेरे साथ शाइन शाइन बहुत है उधर वालों को बोलो आप सामने आए तुम सीन
I give a bite at that. मैं तो I'm giving an angular. आप वहाँ से मैं इधर नीचे बैठ गया. क्या कहेंगे ना फिल्म से कितनी उम्मीद है. आपने ट्रेलर तो देखी होगी कि आपको आइडिया तो आ चुका होगा फिल्म किस चीज़ पे बेस्ड है. वेल पहली बात तो हंसल एंड राज का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज़ अ वेरी लीथल कॉम्बिनेशन. इससे पहले नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म बनाई है इन्होंने एंड इनका परफॉर्मेंस बड़ा ज़बरदस्त था. सो वन इज़ रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म और उम्मीद करते हैं कि ये भी फिल्म अच्छी होगी ज़बरदस्त होगी. एंड भट्ट साहब ने भी बहुत तारीफ़ की है फिल्म की. नो डाउट उनकी खुद की फिल्म है लेकिन इतने सालों में उन्होंने कभी भी किसी फिल्म को इतना क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंस जैसे कि अपना फिल्म फेयर अवार्ड उन्होंने हंसल को दिया है. तो दैट जस्ट गोज टू शो दैट ही इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी एंड प्राउड ऑफ द फिल्म एंड प्राउड ऑफ द वर्क दैट बोथ राज एंड हंसल हैव डन एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म. आई एम श्योर जो हमने देखा है प्रोमोज में ट्रेलर में वो ऑलरेडी बहुत अच्छा लग रहा है एंड एक क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है फिल्म देखने की. तो आई एम श्योर पसंद आएगी फिल्म. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा यू नो राजकुमार तो ऐसे ही एक नेशनल अवार्ड विनर हैं उनकी एक्टिंग स्किल्स को लेके. तो आपने उनको आपने कभी सोचा कि उनको लेके कोई फिल्म बनाएंगे आगे चल के. हाँ बिल्कुल सोचा है नहीं उससे बहुत पहले सोच लिया. वो मेरी फिल्में ऑलरेडी हैं. डॉली की डोली में राजकुमार इज ऑलरेडी देयर एंड ही इज़ गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल. सो आई एम एक्चुअली वेरी what to say fortunate that I have an actor of his caliber in my film. Arbaaz ji baat kare agar Hansal Mehta aur Rajkumar Rao ki to jo hai unhone ek film hit di hai aur aapko lagta hai ki pehla sawal ka jawab aapko nahi samajh mein aaya jo hai abhi aapko lagta hai ki Bollywood ki hit jodiyon mein se ban sakti hai Hansal Mehta aur Rajkumar ki jodi. रिवाइंड करके सुन लो पहले. बेसिकली इनका कहना ये है कि नंबर्स भी मायने रखते हैं जो पैसे कमाए जाते हैं नंबर्स भी मायने रखते हैं बॉक्स ऑफिस में. इससे पहले शाहिद जो थी उन्होंने क्रिटिक सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा पाई तारीफ भी बहुत ज़्यादा पाई लेकिन नंबर्स उतने नहीं आए. तो क्या कहेंगे इस फिल्म को लेकर. आई थिंक एवरी फिल्म हैज़ गॉट इट्स ओन पोटेंशियल होती है एंड जितने की फिल्म का सक्सेस होता है एक्चुअली देखा जाता है कि उसकी कॉस्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. A film, if it is made at a certain cost, if it covers that cost and more, it's a hit film. You can make a film for 100 crores and if it does 80 crores also, it is a flop. And you make a film for 5 crores and it does 15 crores and it's a hit. So as long as the film brings back its numbers and the purpose that it is made for, it'll be considered a success. So I'm sure Shahid may not have brought in that many numbers, but jitne mein bani thi film, उससे कई ज़्यादा उस फिल्म ने उसका इन टर्म्स ऑफ माइलेज इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन इन टर्म्स ऑफ रिकवरी की है. तो सेम थिंग विद दिस इफ़ इट इज़ नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव फिल्म इट इज़ मेड ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक जितना उसको उसका जो जितने में बनी उससे कई ज़्यादा उसका रिस्पॉन्स आता है. 100 करोड़ करने की ज़रूरत नहीं होती फिल्म को हर फिल्म को हिट होने के लिए. तो अगर उस वो हो जाए तो ये भी फिल्म सक्सेसफुल होगी. तो आई एम श्योर धीरे धीरे नंबर्स आते हैं. एवरीबडी टेक्स मतलब सलमान खान शाहरुख खान आमिर खान ये सब बनने के लिए हर आदमी को पता है कि वक्त लगता है. धीरे धीरे नंबर्स आएंगे एंड इंशाल्लाह दिस कॉम्बिनेशन विल आल्सो ब्रिंग दोज नंबर्स. अरबाज आपने मोस्टली जितनी भी फिल्म बनाई है वो एक्शन उसमें देखा गया है. जैसे कि आपने बोला आपने राजकुमार को होली की डोली में लिया है तो क्या उसमें आप उनसे एक्शन कराने वाले हैं. डॉली की डोली टाइटल सुन के आपको क्या लगता है एक्शन फिल्म लगती है. नहीं अच्छा आपकी फिल्म की खासियत एक्शन डॉली. हाँ तो ये फिल्म जो टाइटल है वो सजेस्ट करती है कि पहली बात तो वो ड्रामा कॉमेडी है. टाइटल से ही आई एम श्योर कई अंदाज़ा आ जाता होगा कि इस फिल्म में उनका एक बड़ा अच्छा किरदार है. थोड़ा सा जो फिल्में ये कर रहे हैं एकदम गंभीर सीरियस फिल्म उससे थोड़ा अलग है. उनका कैरेक्टराइजेशन भी अलग है फिल्म का माहौल भी अलग है. तो पीपल विल लाइक हिम इन दैट पर्टिकुलर रोल. इट्स अ लिटिल मोर व्हाट यू कॉल कॉमिक इन दैट सेंस. सो ही इज़ प्लेइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एंड इट्स नॉट एन एक्शन फिल्म. इन फैक्ट देर इज़ नथिंग. एक हमने एक्शन डायरेक्टर भी नहीं लिया है फिल्म के अंदर किसी भी सीक्वेंस के लिए क्योंकि एक छोटा सा कार का स्टंट है उसमें शायद एक दिन के लिए बुलाया था. बाकी कुछ है नहीं खास उसमें एक्शन. एंड राजकुमार का तो है ही नहीं उसके अंदर एक्शन. तो दैट्स इट. या लास्टली आपसे एक सवाल लास्टली आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा. यू नो आज पीएम ने शपथ ले ली है
मैं जवाब नहीं भी दे सकता हूँ, सुन लूंगा लेकिन हाँ, शपथ ले लिए तो आप क्या कहेंगे? नहीं वैसा कुछ आप क्या कहेंगे ना, अच्छे दिन आ सकते हैं या आने वाले हैं आपके मुताबिक? देखो पहली बात तो नरेंद्र मोदी जी जो जीते हैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये कंट्री का मैंडेट है एंड एक ओवरवेलमिंग काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला उनको और बोलते हैं ना कि मेजॉरिटी से जीते हैं और मतलब दे कुड फॉर्म देयर ओन गवर्नमेंट. सो ऑब्वियसली पूरी कंट्री का फेथ है कि इस बार कुछ अच्छा होगा एंड उम्मीद करते हैं एंड ऑफकोर्स वी शुड ऑल होप दैट दिस गवर्नमेंट डज समथिंग गुड फॉर द पीपल एंड फॉर द कंट्री एंड वील हैव टू वेट एंड वॉच एंड आई एम श्योर इट शुड हैपन. बहुत ज्यादा उम्मीद है क्योंकि मैं हंसल सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, राजकुमार का बहुत बड़ा फैन हूँ. आई थिंक इज वन ऑफ द फाइनेस्ट यंग एक्टर्स इन द कंट्री राइट नाउ. तो हाँ बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं और मैं मुझे पूरा भरोसा है कि वो एक्सपेक्टेशंस मेरी जरूर पूरी. लोगों के अंदर एक जज्बा दिखाने वाली फिल्म तो आप भी लेकर आए हैं जी और अभी एक सिटी लाइट आ रही है जी. मैं बहुत खुश हूँ फॉक्स ऐसी पिक्चरों को प्रमोट कर रहा है एंड हवावाई भी फॉक्स की थी और ये भी मेरे ख्याल से विशेष फिल्म्स के साथ कोलैबोरेशन में. सो इट्स अ गुड टाइम फॉर इंडियन सिनेमा यार, ऐसी अच्छी फिल्में बनेंगी और लोग देखेंगे और आप लोग देखेंगे और सराहेंगे तो अच्छा लगेगा ना. राजकुमार जी अगर बात करें, राजकुमार ने जब शाहिद मतलब मिल जाएगा बहुत खुश हूँ मैं. नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, अगली बार फिर ट्राई करेंगे. बट आई डोंट थिंक एक्टर्स काम करते हैं ये सोच के कि नेशनल अवार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा. वी वर्क ऑन द बेसिस ऑफ अ स्क्रिप्ट और अगर स्क्रिप्ट अच्छा होगा और काम अच्छा होगा तो कोई ना कोई अवार्ड मिल जाएगा. अभी दो तीन चीज़ें हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ बिसाइड्स मेरे डैड की मारुति का सीक्वल जो मैं कर रहा हूँ और एक एक्शन फिल्म के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. सो एक दो चीज़ें हैं होपफुली विद इन 10-15 डेज अनाउंसमेंट कुछ करते हैं पता चल जाएगा आपको. थैंक यू थैंक यू. पूरी ड्रेस कोड एकदम नाप लो दिलीप भाई. दिलीप भाई मैं आ जाऊँ बाद में. हो गया हो गया. बस आपसे पूछना चाहूँगा कल एक स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, आज एक स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज की, मतलब बॉलीवुड में एक जगह से हलचल फैल चुकी है उनको सभी को सैटेलाइट देखनी ही देखनी. टच वुड. तो आज के लिस्ट में कौन कौन और शामिल है? ये आज के लिस्ट में साकिब है, हुमा है, कल्की है, अरबाज सर है, डीनो मौर्या है और मेरे पीआर है मोनिका. इट मीन्स अ लॉट. माय पेरेंट्स, माय मम इज हियर फ्रॉम शिलांग, माय एक्सटेंडेड फैमिली इज हियर. So it's a good nervous feeling. Screening की अगर बात करें, फिल्म की अगर बात करें, कल की स्क्रीनिंग के बाद हम आपसे बात नहीं कर पा रहे क्योंकि आप शायद थोड़ा बिजी थे अपने गेस्टों के गेस्ट के साथ. विद्या बालन और उनके हस्बैंड वहाँ पर आए तो बहुत देर तक उन्होंने आपसे बात नहीं की और बहुत सारी चीज़ें बताई भी आपको. तो कल के लिए मेरी स्क्रीनिंग बहुत स्पेशल थी मेरे लिए बिकॉज विद्या मैम मैं बहुत इंस्पायर हूँ. मैं उनके जैसा हमेशा, मतलब जब से वो परिनीता में आई है तब से मैं उनका काम फॉलो करती आ रही हूँ और तब से मुझे लग रहा था कि यू नो आई वांट टू बिकम एन एक्ट्रेस लाइक हर द वे शी इज. सो शी इज़ अ ह्यूज इंस्पिरेशन इन माय लाइफ. साथ ही साथ विद्या जी ने एक और चीज़ कही कि वैसे तो राजकुमार को नेशनल अवार्ड मिल चुका है, अब बारी है पत्र लेखा की इस फिल्म के बाद. जी पता नहीं इस फिल्म से पता नहीं, आई एम नॉट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशंस एज सच बट या इस लाइफ टाइम में तो जरूर. कॉम्प्लीमेंट्स की बात करते हैं, लास्ट सवाल मेरा कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो अभी तक का जो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको मिला हो सिटी लाइट्स को लेकर? जी वो आलिया ने दिया है. आलिया ने बोला कि यू नो आई कुड हैव गॉटन अ बेटर डेब्यू देन दिस एंड या इट्स नॉट ओनली आलिया, देयर वाज सिद्धार्थ. तो
Vidya ma'am's husband even. So I'm getting like compliments like this that I couldn't have gotten a better debut than this. And also I believe that. Thank you so much. Thank you. Wait for a short. Yeah. Thank you. मुझे तो मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, मुझे बहुत उम्मीद है फिल्म से और जिस तरीके से प्रोमो और गाने हिट हो रहे हैं फिल्म के तो 100% उम्मीद है कि पिक्चर भी उसी तरीके से हिट हो। राजकुमार की अगर यहाँ पे बात करें, राजकुमार ऑलरेडी एक नेशनल अवार्ड विनर है और साथ ही साथ आपको लगता है कि उनकी इस परफॉर्मेंस के बाद हालांकि आपने फिल्म नहीं देखी वैसे आपको अंदाज़ा लग गया होगा, आप वैसे भी बुद्धिजीवी इंसान है, आपको आइडिया तो लग ही गया होगा, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनको इस परफॉर्मेंस के लिए नेशनल अवार्ड मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि जो राजकुमार की जितनी भी परफॉर्मेंसेज हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, चॉइस है उनका फिल्मों का वो बहुत ही यूनिक है। नवाज भाई आपसे पूछना चाहूँगा, आजकल आप बहुत ज़्यादा कम देखने लग गए हैं, कौन सी चीज़ें जो आपको देखने लग गए हैं? मैं अपना काम कर रहा हूँ, अभी काम कर लूँ, मेरी शूटिंग चल रही है, किक की वो ख़त्म हो जाए उसके बाद मिलना जुलना होता रहेगा। नवाज मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, हमारे इंडस्ट्री में दो तरीके के एक्टर हैं, एक आज जैसे फाइनेस्ट एक्टर, उनकी एक अलग ही पहचान है, एक जो 100 करोड़ क्लब है, अब राजकुमार नेशनल अवार्ड विनिंग है लेकिन उनकी एक फिल्म है, आप उनको किस विश में देखते हैं, अपने साथ वाले में या फिर 100? देखिए मेरे साथ ये उसके साथ वाला कुछ नहीं होता है, मेरी नज़र में दो तरह के एक्टर होते हैं, एक अच्छा एक्टर होता है, एक बुरा एक्टर होता है, और राजकुमार अच्छा एक्टर है और वो जो 100 करोड़ वाली फिल्म है वो भी वो उनके लिए भी बहुत प्रॉपर ऑडियंस है, वो उनको वो भी उनका भी रहना बहुत ज़रूरी है फिल्मों का भी। थैंक यू शुक्रिया सर, शुक्रिया। चले समान शुरू करवा देगा खाली रोलिंग। नहीं बस अच्छा लगता है कि सब आ रहे हैं और फिल्म देख रहे हैं, क्योंकि जब ऐसी फिल्म बनती है जो दिल से निकल कर आती है तो आप
बड़े बड़े प्रोडक्ट पब्लिसिटी बजट से फिल्म को नहीं, फिल्म का प्रचार उससे नहीं होता है, ये प्रचार प्यार से होता है। और यही हो रहा है कि हमें ढेर सारा प्यार मिल रहा है जिससे प्रचार फिल्म का, और हमारे पास बड़े बड़े होर्डिंग्स ना हो लेकिन हमारे पास फिल्म है, हम फिल्म दिखा रहे हैं। दिल से तक की बात कही आपने, तो यहाँ पे आपको ये भी पूछना चाहूँगा मैं कि जितने भी स्टार्स अभी गए, चाहे वो कल जिन्होंने फिल्म देखी हो या आज के वो जो फिल्म देखने जा रहे हैं, उन्होंने खाली इतना कहा कि हंसल मेहता को और राजकुमार राव को वापस से एक नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए, ना सिर्फ फिल्म के लिए बल्कि उनके आइडिया के लिए, उनके थॉट प्रोसेस के लिए। क्या कहेंगे इस बारे में? वो तो मतलब उनकी मतलब दे आर काइंड, दे आर वेरी काइंड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हम मैं तो बस ये मेरे लिए अवार्ड ये होगा कि ऑडियंसेस इसी तरह से आए, फिल्म देखे और फिल्म को पसंद करे और हमें लोगों का प्यार मिले। जिस कहानी ने, जिस फिल्म ने हमारे दिल को छुआ है वो हमारे ऑडियंस के दिल को छुए। ज़्यादा दिन दूर भी नहीं है फिल्म को रिलीज होने से, तो और को ज़्यादा प्रमोट आप करने वाले हैं, प्रमोशन इस तौर पर करने वाले हैं, वो भी जानना चाहेंगे? बस प्रमोशन चल रहे हैं, हम लोग और स्क्रीनिंग्स रखेंगे। अभी मेरे ख्याल से दो दिन में अनुराग कश्यप एक स्क्रीनिंग होस्ट कर रहे हैं जहाँ वो अपने दोस्तों को बुला रहे हैं फिल्म दिखाने के लिए, और हम लोग दिल्ली जा रहे हैं फिल्म को प्रमोट करने के लिए, वहाँ भी स्क्रीनिंग हो रहा है। तो बस हम लोग स्क्रीनिंग के ज़रिए फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हंसल सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो ऑलरेडी इतनी फाइनेस्ट फिल्म है जिसको नेशनल अवार्ड मिल चुका है, क्या उस फिल्म को इतना ज़्यादा प्रमोशन की ज़रूरत पड़ती है? इस फिल्म को नेशनल अवार्ड नहीं मिला, मुझे लगा इसको नेशनल अवार्ड नहीं, करना पड़ता है। आज ये क्या है, युग मार्केटिंग का है, और इसमें प्रचार के बिना जब सरकार नहीं चुनी जा सकती तो फिल्म क्या चीज़ है? Quickly, जल्दी जा, सॉरी।